नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मकान हाटन रोड पे बना हुआ है, सुभाष नगर हाटन रोड। और ये मकान दादी बाबा का बनाया हुआ मकान था। काफ़ी दिनों से इस मकान को बनाने का प्रयास मैं कर रहा था, लेकिन कुछ विवादों के कारण ये मकान बन ना पा रहा था। आज पुलिस प्रशासन से मदद लेने के बाद मेरा मकान धीरे धीरे बनना शुरू मैंने किया, क्योंकि ये विवादित मकान था। विवादित इस वजह से था कि पहले के जो लोग थे वो 14 इंच की दीवार बनाते थे, जिसमें ये साझा होता था कि 7 इंच तुम्हारा होगा, 7 इंच हमारा होगा। लेकिन जब नई पीढ़ी आई तो इस मकान को 7 इंच भी नहीं देने दिए, जिसके वजह से हमने पुलिस प्रशासन से मदद लिया और उनके ही काम से मेरा आज मकान धीरे धीरे बनना प्रारंभ हुआ। एक तरफ तिलक राम का घर था और एक तरफ सच्चिदानंद। तिलक राम तेली का मकान है, जो ये मकान बनने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि 4 इंची दीवार आप ले लो और 10 इंची हमें दे दो, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम गलत हैं तो आप गाइस इसका निर्णय और कमेंट्स में बताइएगा कि हमको 7 मिलना चाहिए कि 4 इंच मिलना चाहिए। काफ़ी प्रयास करने के बाद में आज हम इस काम को शुरू किए हैं और धीरे धीरे मैं मकान की नींव डाल रहा हूँ। सिर्फ ज्वालामाई माता रानी की कृपा से हमारा ये मकान मैं शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही इसमें अड़चन डाल रहे थे, जिसके वजह से हमारा काम बन नहीं पा रहा था। 3 महीनों के संघर्ष करने के बाद में अब हम थोड़ा इसमें काम करना शुरू कर रहे हैं। अभी लोग करने नहीं दिए। अभी तिलक राम का जो मकान है उसकी बहू इस काम को करने नहीं दे रही है। हर बार वो लड़ाई करने के लिए वो सामने आ जा रही है। जब ये काम करने नहीं दे रहे थे तो मैंने बहुत ही इनसे प्रयास किया कि आप हमारे घर को बनने दो, लेकिन वो लोग नहीं तैयार थे। तभी हमने पुलिस प्रशासन का मदद लिया, जिसके कारण से मैं आज इस मकान का निर्माण कर रहा हूँ। आज धीरे धीरे मैं इसमें पिलर की बुनियाद डाला हूँ और धीरे धीरे इसका काम शुरू होगा, लेकिन अभी भी ये काम करने नहीं दे रहे हैं। जब भी अड़चन डालते हैं और लड़ाई करने के लिए स्थानीय लोगों को, अगल बगल के लोगों को इकट्ठा करके विवाद करने, लड़ाई करने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं। मैं इनसे बस यही निवेदन करूंगा कि आज ये कच्चा मकान है, इसको बनाना है, बना लूंगा तो कम से कम यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो जाएगी। ये मेरा मकान पुराना बना हुआ था, जिसके वजह से ये जो बगल में मकान बना हुआ है सच्चिदानंद नाम के इंसान का, उन्होंने इस मकान को गिरा दिया था। गिराने के बाद मेरा टीन भी गिरा हुआ है, दीवार भी इन्होंने तोड़ करके और मेरा 14 इंची की दीवार को भी इन्होंने ले लिया और दीवार को टेढ़ा कर दिया। तो गाइस ये बता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही है? क्या कोई मकान ज़मीन हथिया करके क्या साथ में लेके जा सकता है ऊपर? नहीं जा सकता है ना, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे लालच है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथिया लें। आज भी यही हो रहा है। इस मकान को बनाने में इतना संघर्ष हमें लगा है जितना किसी मकान को बनने में नहीं लगा। मैंने एक मकान गोमती नगर में भी बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं दिक्कत हुआ जितना यहाँ के लोग दिक्कत करते हैं। चलो यार।
दोनों काम ना ही कर पाए। हेलो हमारे लोग से पूछो पूजा हुआ बुला देंगे क्या बुला देंगे। और जब जब हुआ तो रहते हमें कह रहा हम तो सच्चा कह रहे हैं कि 4 इंची बुलाते हैं 4 इंची ले गए। हेलो अब पूरा मैया का हां वही रहा वही काट पीट के धरे थे तो पूरा दीवार पर रहा पक्को पर रहा नहीं रहा वही रहा सेठ वही रहा अब समो तक वही बैठो केला लेके बोलो या यार कि क्या जाएगा ना भी क्यों है ना एक भराई कराए दो जब भी मान लो तो सबसे पहले भराई कराओ क्योंकि मजबूत हो जाए बाहर इतना हिस्सा है ना वो मकान हुए अलग मकान ना हो यार भराई कराई के तब जमा जो है आप भरा करो अब तो मैं चुप रहा कर मैं बतवाई तब कुछ बताई कहाँ कर लाइफ ना काम हो गया पूरा देखो सही है कि नहीं सही बताओ तो देखे तो सही ना रहा था चार इंची पर चाचा 6 दिन का लादा है दीवार पर और 4 इंची हम कहा कहने की ओका जो ना भरवा देते पहले क्योंकि मजबूत हो जाए ईटा से वो से नहीं ईटा से नहीं ईटा से अरे ईटा तो छोड़ो हम काट रहे हैं कालम डाल के फिर बाजी को घर बनावे लागे तो मार करबो का मार करबो काट ओका काट चलो ये कच्चा माल कहके कच्चा माल जमा करके भर देता ईटा भरवा दी तू माटी से भरवा दे मैं हूं नहीं से तू माटी लगाए भर दे नहीं नहीं ठीक है हम कच्चा माल भर दी था मतलब इसे थोड़ा सा सीमेंट मिलाए के अब कच्चा माल हम का भर दे बार, जब उन्हें जरूरत पड़ी पास जान ले सबका ऊपर जाएगा अरे भैया अब हम नहीं कहा बताइए कौन कहा तो उसे कच्चा माल लाए थोड़ा ईटा तोहार जिम्मेदारी है काका कच्चा कराए दे चाहे पक्का कराए दे रुक जाओ तो हमने कहा सभी 10 मिनट रुको ऐसा है कि अभी सीमेंट मोरंग ना है हम ओका फोटो खींच के सुन लो सुन लो हम ओका कच्चा कह के फोटो खींच के तू का दिखाई दे ओकरे बाद हम कालम कर दे बात हो हेलो अरे वहां जो नो सबका बात है भैया बड़ा आपका बड़े बाप का बताइए कि 4 इंची भैया ना तो कहता था 4 इंची पाई छत लादा है अरे रहे कि जाओ सुना था यार हेलो आज बार पूरा लेके चला जाए हमने तो नहीं इतना हेलो 4 पे ला दे 1 लाख में वहाँ हम कहे कि आज का है तेरा घर हम सुनो ये चाचा कहेंगे कि हम आ सकी थे तुम्हारे घर में जब पढ़ाई को लड़ाई नहीं करते हमारा आवाज ऐसे हम कहें चाचा तू आए का नहीं तो घर तहार हो आए दिया दाग के बैठा रहे 10 मिनट बाद कई बार गए अब तुरंत हमारे भाई आवा ये राकेश भैया खड़ा रहे बारे हम कहें भैया और मारो भरा मिस्त्री है तरी बस देखा चाहते बहनी कहाँ तार देवैया कटल था 4 महीने दिन बीत गया पूछो हमारे तरफ से कोई इनसे पूछेगा वा कुछ कहेगा वा ये थी। अरे भैया वो नहा रहे तो कैसे हम कहते कि तुम चला आओ यार सीधी सी बात सोचो कि नहा रहा है कोई आदमी तो हमने उसमें कौन सी बड़ी बात है वही शटर गिराने का मतलब ये नहीं होता है जिस तरह से तुम लोग कह रहे हो हम लोग चुप है तो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो जब कह रहे हो तो नहात रहे कि नहीं नहात रहे अरे तो भैया हम बुला नहीं सकते थे बात आके देखे नहीं ऊपर आकर के मम्मी ना बोलो भाई
अरे आप क्या हो का भाई साहब, काम कराओ जो काम शुरू कर दिया था। चलो पेमेंट मांगो। सुन ले तो चार इंच के आगे कर दिया अब 4 इंच अब ये चाहे जो अंदर जा रहा है अब जो बाप पढ़ाई है तो बाप पढ़ी। चलो तू अंदर, तू चलो चलो अंदर चलो तू। हेलो बवाल कर रहे हैं, क्या किया जाए। मम्मी हाँ यहाँ बवाल बवाल कर रही है मुझे। अरे हम सामने जो है मोहल्ले पे सब आ गए हैं कमर कमर, तो ये खजीदाना भैया जरा खोल दो जरा। तो वही सब आ गए, तुमको फोन कर रहे थे तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। बोलो जरा कौन है देखो। आओ सर अगर आ जाओ तो फिर आ जाओ। चलो राय दो फिर लाओ, राय दो राय दो। तो गाइस आपने देखा यहाँ की किस तरीके से यहाँ पे विवाद हो रहा है और लड़ाई हो रही है। ये थी तिलक राम की बहू, जिसके वजह से ये यहाँ पे विवाद कर रही थी, और कुछ स्थानीय लोग भी थे जो इस लड़ने के लिए यहाँ पे सामने आ गए। तो आप ही बताइए कि किस तरीके से इस घर को मकान को बनाया जाए जो ये विवाद कर रही है। आगे कमेंट्स में बताते रहिए, जिससे हमें उसे उत्साह मिले कि हम किस तरीके से काम करें। गुंडा राज यहाँ पे है, बनियों का गुंडा राज है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे बहुत प्रयास किया कि हम अपना मकान बनाएं, लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे एक सचिदानंद नाम का एक व्यक्ति, जो ये मकान है जो सचिदानंद का है, और यहाँ पे ये मकान बनाने दे नहीं रहा है। जो हमने इतना मेहनत करके इसको मकान तैयार करने की कोशिश किया, मेरा पिलर खड़ा करने नहीं दे रहे हैं। ये मेरा पिलर था, हाँ ये मेरा पिलर था। यहाँ पिलर बना करके मैं अपना छत ढालना चाहता था, मेरा छत नहीं ढालने दे रहे थे। और ये हमारा, ये मैंने दीवार खड़ी कर रखी है, यहाँ से मैं अपना एक 3 पिलर मुझे खड़ा करना था, और वहाँ पर मैं अपना छत ढाल लेता, तो ये लोग ढालने नहीं दे रहे हैं। और सचिदानंद नाम का आदमी है, वो एक सरकारी ज़मीन के बगल में कुआं था जो सब लोग पानी पीते थे, उसको बंद करके उसने मकान तैयार कर लिया। और वहाँ पे उसने दुकान खोल लिया। और जबकि इतना निवेदन करने के बाद भी मैं अपना मकान बनाना चाहता हूं तो बनाने नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी पर उतारा हुआ है और मारने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मकान को बनाने में आप सहयोग करें।
ये हाली हाली पकड़ कैसे रख दो हम उठा उठा भाई भैया। बहुत मशक्क़त के बाद में ये घर बनना शुरू हुआ है। बहुत ही विवाद हुआ इस दीवार के पीछे, जो अब जा कर के इसमें पिलर काट करके हमने इसको बनाया। विवाद बस यही था कि 14 इंच की दीवार थी, जो पुराने लोग थे वो अपना बना के गए थे, जो पहले साजे की दीवार बनती थी तो 7 इंच हमारा होता था, 7 इंच उनका होता था, इस तरीके से यहाँ पे पहले होता था। लेकिन अब जो नए दौर के लोग आ गए हैं, उनकी जनरेशन, इसी वजह से ये मकान तैयार ना हो पा रहा था, क्योंकि इसमें पिलर ही काटने नहीं दे रहे थे। अब जा कर के इसमें आज भी 14 इंच होना था, 7 इंच हमको मिलना था, लेकिन मिला हमको 4 इंच में हमने कटिंग करके और यहाँ पे पिलर लगा करके आज हमने इस घर को तैयार करने के फिर से प्रयास शुरू कर दिया है। तो सो गाइस, यहाँ पे आज सामान हमने गिरवाया है और बहुत ही प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारा घर बनने में उन्होंने बहुत मदद की। तो मैं प्रशासन को भी मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे सहयोग किया कि इस घर को बने, क्योंकि यहाँ पे बनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना इधर बनने दे रहे थे और ना इधर बनने दे रहे थे। अब बन रहा है, आगे वीडियो दिखाते रहेंगे कि कैसे इंस्ट्रक्शन हमने किया है मकान का, क्योंकि हमने भी तो पिलर खड़ा किया है और पिलर खड़ा करने के बाद में छत ढालेंगे, छत ढालने के बाद में हम इसमें रूम निकालेंगे, तो रूम भी दिखाएंगे, कैसे रूम हम बना रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया भी कहेंगे कि हमको हमारे इस चैनल को बहुत सहयोग कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी मेरे को कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहिए कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, जो हमारे ऊपर ही घटना घटित हो उस तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा। गाइस आज हम मोहरे गिरवा चुके हैं।
और यहाँ से मोरंग अंदर की ओर ले जाया जा रहा है मजदूरों के द्वारा। नखियम जाई खाओ खाओ जम जाई बेटे हम यार।